अतिक्रमण के दौरान चले झाड़ू पर एकजुट हुए व्यापारी। भाजपा जिला अध्यक्ष ने व्यापारी संघ कार्रवाई को लेकर सीएमओ को दिया अल्टीमेटम, 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा जिला अध्यक्ष संघ जिला पंचायत उपाध्यक्ष देंगे धरना। श्योपुर के बड़ौदा रोड पुल दरवाजे पर नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के दौरान नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा पुल दरवाजे पर एक व्यापारी की झाड़ू से पिटाई कर दी थी। जहां अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा किए गए उक्त कृत्य को लेकर न केवल व्यापारियों में आक्रोश दिखाई दिया बल्कि व्यापारी की झाड़ू से पिटाई करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर व्यापारी एकजुट भी हो गए हैं। वहीं नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा व्यापारी के साथ की गई मारपीट को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीरज जाट के साथ भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मोनू सोनी भी व्यापारियों के साथ अभद्रता कर व्यापारी के साथ मारपीट करने वाले नगर पालिका कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर मैदान में उतर आए हैं। जहां नगर पालिका कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने व्यापारियों के साथ नगर पालिका पहुंचकर सीएमओ सतीश मटसेनिया से बात की। वहीं कहा कि अगर उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कलेक्टर एसपी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे। वहीं चेतावनी दी गई कि व्यापारी के साथ मारपीट करने वाले नगर पालिका कर्मचारियों पर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे द्वारा कार्रवाई को लेकर धरना दिया जाएगा। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। जिस व्यक्ति ने मारपीट की है उस पर कार्रवाई कराएंगे और अगर नगर पालिका प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करते तो विषय को संज्ञान में लेके भाई साहब से बात करेंगे। आवश्यकता लगी तो नगरीय प्रशासन में वहाँ मंत्री जी से बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊं, ये श्योपुर बहुत सीधा शहर है, यहाँ के व्यापारी बहुत सीधे हैं, लेकिन इस कृत्य से व्यापारियों में बड़ा आक्रोश है। वो अलग जगह के लोग होंगे या यूपी के लोग और वो गुंडागर्दी करते होंगे, वो सब करते होंगे, लेकिन यहाँ के श्योपुर के तो जो लोग है ना वो बहुत शालीन लोग हैं और है, अपने आप को बात करके हटा लेते हैं। पूरे मार्केट में मामले को लेकर के पहुंचो, ये जो कल अतिक्रमण हटाया गया है और अतिक्रमण लोगों को नोटिस नहीं दिए गए और बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाया गया है, इस कारण से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया। और फिर इसके बाद अतिक्रमण जब हटता है तो हमको अमले के साथ पुलिस प्रशासन और सब व्यवस्था होती है, क्योंकि जब अतिक्रमण हटता है तो कोई बात हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में वहाँ जो लोग थे नगर पालिका के जो कर्मचारी अधिकारी थे उन लोगों ने वहाँ लोगों के साथ मारपीट की, वहाँ झाड़ू चलाए, इस प्रकार की घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम अभी सीएमओ साहब को बताने आए हैं, कलेक्टर महोदय से भी बात करेंगे और उन लोगों पर कार्रवाई हो जिन लोगों ने इस कृत्य को किया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। आगे ये घटना की पुनरावृत्ति होना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसी स्थिति में हम बात करके और फिर एसपी साहब से ही बात करेंगे, कलेक्टर साहब से ही बात करेंगे और आवश्यकता लगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे। ये जो श्योपुर का व्यापारी है बहुत ही शालीन प्रवृत्ति का है, हमने देखा इससे पूर्व में ही बाजार में अतिक्रमण आया और सभी व्यापारियों ने उसका समर्थन किया, अपनी दुकानों को तोड़वाया, अपने घरों को तोड़वाया, पर कल जिस प्रकार की निंदनीय घटना जो नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा की गई है और झाड़ू जो जिस प्रकार से व्यापारियों के ऊपर चलाई गई है उसको सहन नहीं करेंगे, ना व्यापारी वर्ग सहन करेगा ना ही कोई सहन करेगा। और उसके लिए हम लोगों ने आज नगर पालिका में आकर सीएमओ साहब से बात करी है और जिस भी कर्मचारी ने जितने भी वो झाड़ू का और ऐसा मारपीट का कृत्य किया है उसके खिलाफ हम लोग आवेदन देने आए और उस पर कार्रवाई कराने की मांग की। अगर कार्रवाई नहीं होने पर हम लोग ऊपर प्रदेश नेतृत्व से बात करेंगे, माननीय सीएम साहब से बात करेंगे, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात करेंगे और कार्रवाई करवा कर रहेंगे।